सारी दुनिया जानती कि बीजेपी की सरकार बोलती क्या है, करती क्या है, वो एंटी मुस्लिम है, एंटी इंडियन है वो, तो हम उनकी बात का कैसे मान लें। हमारी रेलवे जो है उसको क्यों नहीं बंद कर रहे, वो सबसे बड़ा भीड़ वहाँ होता है, एक एक बॉगी में 200-300 लोग रहते हैं, तो क्या वहाँ से वायरस नहीं फैलता, एक शाहीन बाग से ही बार बार वायरस फैल रहा है। अब बस बंद नहीं हो रही, बस में कितनी गंदगी होती है, बस से जो लॉन्ग सफर करते हैं, हमने ये कहा था कि सफाई जो हेयर हवाई यात्रा है वो बंद करने का, अब बंद हुई है हवाई यात्रा, आप पहले एक हफ्ता पहले क्यों नहीं बंद किए, क्योंकि बाहर से जो आ रहे हैं उनको ज्यादा, उनसे ज्यादा प्रभावित हम लोग होंगे। आप हवाई यात्रा अब जाके बंद किए, पहले से आप बंद नहीं किए, मेट्रो अभी भी चालू है, ट्रेन भी अभी भी स्टार्ट है, बस अभी भी बंद नहीं है, तो फिर आप किस लिए एक बस एक शाहीन बाग को मुद्दा बार बार क्यों बना रहे, क्या मकसद आपका, इसमें भी आपका राजनीतिक मकसद है जो फैक्ट बात है। और देखिए जैसे ही ये वायरस की बात हो रही है तो आप लोग को क्या सरकार की तरफ से खबर आ रही है कि जो मेडिकल शॉप है मास्क बेच रहे हैं वो धांधली करे, मैं सरकार के ऊपर भी कहूंगी आप धांधली नहीं करो, जहां 10 रुपए का टिकट है वहां 50 रुपए का रेलवे टिकट कर रहे हो, तो ये आपकी धांधली नहीं मानी जाएगी। इसमें हर तरह से सरकार का ही फायदा है, सरकार बस अपनी कुर्सी अपने सत्ता से प्यार करती है, उसी किसी जनता से किसी वायरस से इसका कुछ ये लेना देना नहीं, बस एक डर है, खौफ है और मैं इसको कुछ नहीं मानूंगी। जहां तक यह वायरस की बात है तो आप अपने यहाँ जितने भी कैदी हैं आप उनको आजाद कर दीजिए, जो जेल में जितने कैदी, क्योंकि ईरान में जितने भी कैदी थे उनको आजाद कर दिया गया है, तो भाई आप भी आजाद कर दीजिए, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी है, तुम बचो अपने जो वायरस से बचो या फिर मरो, तुम्हारी जिंदगी है, तो ये सब चीज तो हो नहीं रहा है, बस शाहीन बाग के पीछे पड़े हुए। मैं बार बार कहूंगी कि ये शाहीन बाग आप लाख कितना भी मुद्दा बनाओ, डर खौफ पैदा करो, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं। कोरोना वायरस के डर से शाहीन बाग का जो धरना है वो ख़त्म हो गया, लेकिन हम आज यहाँ आए हैं कई दिन के बाद, तो अभी महिलाएं डटी हुई हैं लगातार, क्या कहोगी जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। खुली आंख से देख ले ऐसा तो कुछ है नहीं, और ना यहाँ हटने वाला, चाहे वो कितना भी अफवाह उड़ाया जाए, उन लोगों के लिए यही है कि आप कितना भी अफवाह के जरिए, किसी भी खौफ के जरिए आप डराने की कोशिश करें या फिर अफवाह फैलाएं कि शाहीन बाग का धरना हट गया है या ख़त्म होने वाला है, तो वो आके खुद से देख लें कि यहाँ क्या सिचुएशन है, यहाँ पहले जैसे औरत थी आज भी वैसी आ रही, बस फ़र्क इतना है चूँकि हमारे CM ने कहा है थोड़ा डिस्टेंस रखने के लिए, तो बस बारी बारी आना कर भीड़ कम रख रहे हैं, कुछ देर पर हम लोग आ रहे हैं, कुछ देर पर जो पहले जो आ चुकी हैं उनको घर वापस भेज देते हैं, सैनिटाइजर का भी पूरा इंतजाम है और मास्क का भी इंतजाम है, यहाँ पे एक डॉक्टर भी बैठती है जो हम यहाँ पे अवेयरनेस देती रहती है, लोगों को सलाह देती थी कि आप किस तरह से सफाई रखें कि आप इससे बच सकते हैं। तो यहाँ धरना किसी, जब हम गोली से नहीं डरे, यहाँ पे कभी यहाँ पे जब गोली चला तो उससे नहीं डरे, यहाँ पे जब बिरयानी का इल्ज़ाम लगाया तब हमने यहाँ पे धरना नहीं उठाया, 500 का इल्ज़ाम लगाया तो हमने धरना नहीं उठाया, तो आज बस ये कोरोना वायरस जो एक हवा बना दिया गया, जबकि ये इतना इंडिया में है नहीं जितना इसको मतलब भयभीत किया जा रहा है लोगों को इसके बारे में बोल करके। तो बस अब मैं ही उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कोरोना वायरस सिर्फ ये शाहीन बाग में ही सबसे ज़्यादा पनप रहा है, और जो 22 तारीख को हमारी सरकार ने जो कहा है कि वो संडे के दिन बंद रहेगा, कर्फ्यू रहेगा, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस सिर्फ संडे के दिन सबसे ज़्यादा पनपता है क्या, सुबह 7 से 9, उसके अलावा और किसी अदर डेज क्या कोरोना वायरस का जो वो ज़्यादा नहीं पनपता है क्या, ये कौन सी बात है कि भाई संडे के दिन सुबह से लेकर शाम तक आप मतलब एक तरह से आप 144 धारा ही कहिए कि लागू कर दिया गया है, बाकी मंडे को नहीं कोरोना वायरस किसी को हो सकता है, ट्यूसडे को नहीं हो सकता, तो ये सरकार की चाल है और नीति है, वो अपना हर चीज में उनका फायदा है, तो आप सरकार है कुछ भी बोल सकती है, हम उनकी बातों में नहीं आने वाले ना हम ध्यान दे रहे हैं। तो क्या लगता है आपको CA या कोरोना वायरस दोनों में खतरनाक कौन सा सकता है? भाई सबको पता है कि खतरनाक हमारा जो कानून जो ला के दिया गया है CA और NPR वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, और कोरोना वायरस के बारे में जब कहा जा रहा है कि शाहीन बाग में की महिलाओं को उठ जाना चाहिए, कोरोना वायरस फैल रहा है, तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगी चाहे वो हमारे गृह मंत्री बोले चाहे हमारे CM बोले जो भी बोले, तो आपको सब फर्स्ट एंड फर्स्ट जो डिटेंशन कैंप में जितने लोग हैं आप उनको क्यों नहीं रिहा करें कि भाई जब इतनी बड़ी खतरनाक बीमारी हो रही तो मैं तुम्हें आज़ाद करता, अब तुम अपनी ज़िंदगी जैसे चाहो बचा लो, तो वो क्यों नहीं ये कर रहे हैं। अभी जो जाफराबाद में शिवपुरी में जितना भी दंगा हुआ वहाँ भी एक कैंप में 200-300 लोग रह रहे हैं, एक प्लेट में 2-3 लोग खाना खा रहे हैं, तो आप उनको क्यों नहीं, उनके लिए सेफ्टी क्यों नहीं कर रहे हैं? हम तो खरीद भी सकते हैं, सैनिटाइज़र है, मास्क है, अपना हर तरह से, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम इलाज भी करा सकते हैं, सेफ्टी का भी पूरा लिहाज रख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं जो दंगे में लूट पीट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं जिनके पास एक रुपया नहीं है अपने ऊपर खर्च करने के लिए, खाने को मोहताज हो, तो आपको सबसे पहले वहाँ अपनी फैसिलिटीज देनी चाहिए, ना कि शाहीन बाग को एक मुद्दा बनाना चाहिए। मैं बार बार कहूँगी कि ये शाहीन बाग आप लाख कितना भी मुद्दा बनाओ, डर खौफ पैदा करो, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं। दूसरी बात एक और मैं बोलना चाहती हूँ कि बार बार जो डिबेट जो चलता रहता है, हिंदू मुसलमान पर डिबेट चलता है, और आजकल कोरोना वायरस पर
बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ अंजना ओम कश्यप हो या फिर संजीत पात्रा हो और लियाकत जो है वो, उनके मैं कह रही हूँ कि कभी मैंने देखा है कि कभी वो जो भूखमरी एक बहुत सबसे बड़ा वायरस है जो हर महीने 8,000 बच्चे हमारे हिंदुस्तान में हर महीने भूखमरी से मरते हैं, कभी आपने देखा कि सरकार उस पर कोई बात करती हो, उस पर कोई डिबेट चलता हो या कोई भी एंकर जो होता है न्यूज़ एंकर कोई उस पर डिबेट चलाती हो? कभी नहीं। तो जो दुनिया की जो हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ा जो वायरस उस पर कभी कोई डिबेट नहीं होती है, और जो वक्ती तौर पर जो अभी हो रहा है बस उस पर उसको खाम खा हुआ बनाया जा रहा है, खाम खा उससे डर खौफ पैदा किया जा रहा है, और हम लोग बिल्कुल भी इससे बार बार मैं यही कहूँ कि हम डरने वाले नहीं है, चाहे आप कितना भी हमारे अंदर खौफ पैदा करो कुछ भी पैदा करो। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा इस टाइम महामारी माना जा रहा है, WHO ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस महामारी से बचना चाहिए? और जो यहाँ बूढ़ी दादियाँ बैठी हैं, कहा जा रहा है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उन पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इस चीज का, तो उनके एहतियात बरतने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, दादी हमारी यहाँ की जो मेन पिलर है हमारी इसकी, और उनको हम हर तरह की सेफ्टी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे, मुझे भी पता है कि 65 ईयर्स ओल्ड जो है वो घर में रहे, जो इस ओल्ड की औरतें हैं, लेकिन दादी हमारे इसकी प्रोटेस्ट की पिलर है, तो हम उनको यहाँ से नहीं हटा सकते क्योंकि हमारी पिलर है वो, और उनको हर तरह की सेफ्टी दी जा रही है। और जहाँ तक महामारी की बात कही जा रही है, महामारी है तो ये नहीं कि महामारी से क्या कहते हैं हर कोई मर रहा है या प्रभावित हो रहा है, जब बाहर देश से कोई हमारे यहाँ नहीं आ रहा है यहाँ प्रोटेस्ट में, हमें इस ये है ना कि बाहर देश से कोई इस प्रोटेस्ट में आए, जो है लोकल है, तो लोकल को अभी है नहीं, और ये वायरस एक हफ्ते में अपना असर दिखाता था, आप देख लीजिए कि इस महामारी को हुए भी अब 10 दिन से हंगामा हो रहा है, यहाँ एक भी केस ऐसा नहीं हुआ है शाहीनबाग में या फिर ये प्रोटेस्ट में एक भी केस ऐसा नहीं आया है, तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा भी नहीं, और हम पूरा सेफ्टी का ख्याल रख रहे, चाहे वो दादी हो चाहे फिर वो हम लोग हों, कोई भी हो चाहे बच्चे हो, बच्चे जहाँ देखो यहाँ हम लाने के लिए मना ही कर रहे हैं कि यहाँ नहीं लाए बच्चे को। सरकार ने कहा कि 40 लोगों से ज़्यादा कोई कहीं इकट्ठा नहीं हो सकता। नहीं, आप देख सकते हैं कि अंदर पहले के मुनिसिपल हमने कितनी भीड़ कम हो गई, आप अंदर जाके एक बार देख लीजिए, भीड़ बहुत ज्यादा कम हो गई है, और बारी बारी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बिल्कुल 101% बस एक निशाना बनाया जा रहा है कि आप जितना भी इसमें डराया गया, धमकाया गया, इल्जाम लगाया गया, तो ये शाहीनबाग के धरना जो शरणिया ही है वो उठी नहीं धरना से, तो अब एक चीज ये बोले एक बड़ा मुद्दा बन गया कि भाई कोरोना वायरस है एक महामारी है, तो चलो इसके डर खौफ से उठा दिया जाए। मैं फिर से कहूंगी अपने सरकार को, आपके डर से खौफ से या फिर कोरोना वायरस से आप जितना भी डराने की कोशिश कीजिए, यहाँ से हम लोग उठने वाले नहीं है, सेफ्टी बरत के हम लोग हैं, हम लोग जो कपड़ा पहन के आते हैं वो भी जाके हम लोग जाके वॉश कर लेते हैं। क्या लगता है आपको, आपकी मेहनत रंग लाए जिस प्रकार से अमित शाह के बयान आ रहे हैं, उन्होंने संसद में 3 दिन पहले कहा कि ना अब डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे किसी के, और जो डी है डाउटफुल वो भी नहीं निशान लगाया जाएगा, तो क्या मानते हैं सरकार आपके दबाव में आई है? एक पॉइंट हमें थोड़ी सी जीत की झलक मिली, मैं पूरी नहीं कहूंगी क्योंकि वो जुमलेबाजी सरकार है, वो झूठ बोलती है वो सरकार, उसके उसकी जुबान का कोई वैल्यू नहीं है, वो बोलती कुछ करती कुछ, कोई भी कानून लाना होता है वो रात के अंधेरे में चोरों को तरह लाती है, तो हम उसकी बात के नहीं मानेंगे, जब तक वो लिखित रूप में हमें नहीं लिख के देंगे हम नहीं मानेंगे, हम इस छोटी सी जीत को बड़ा मान करके घर बैठ जाए ये कभी नहीं हो सकता, आपको हर हालत में लिखित रूप में इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हम अपने घर चुपचाप बैठेंगे। और इतना ही फिक्र है शाहीनबाग की महिलाओं का, आप 2 लाइन में आप लिख के दे दीजिए, आप जब सदन में बोल सकते हैं वो तो आप झूठ ही बोल रहे हैं, सदन में आप बोल रहे झूठ बोल रहे हैं, आपको अगर हकीकत में इसको अगर ये चीज को आपको करना है रिजेक्ट करना है आप लिखित रूप में देंगे, आप देखिए आधे घंटे में हम लोग जश्न मनाते हुए यहाँ से चले जाएंगे। कांग्रेस का एनपीआर जो आप ला रहे दोनों में फर्क नहीं है, बिल्कुल नहीं मान सकते, सदन में तो हजारों बातें होती हैं, कोई जरूरी तो नहीं कि हर बात वो सही बोलते हैं, आज वो भी कल मुकर जाते हैं, हमने देखा ही कि उन्होंने 6 साल में उन्होंने क्या किया है, क्या तरक्की की है देश के बारे में, कभी ना भुखमरी के बाद पे कोई चर्चा हुई है, ना डिबेट हुआ, ना नौजवान नस्ल को इतनी ज्यादा बेरोजगारी, कभी उस पर कोई बात नहीं होती है, कभी महिलाओं की सुरक्षा की कोई बात नहीं होती है, रेप करके लोग आराम से घर में बैठे रहते हैं, और अगर वो कंप्लेन करते उसके परिवार के पूरे लोगों को मरवा दिया जाता है, तो कभी भी देश की तरक्की के लिए देश की उन्नति के लिए कोई भी बात नहीं की जाती है, बस वो अपना मन की बात जो सुन सुन के लोग बोर हो गए, जिसमें कोई भी देश के लिए क्या कहते हैं अच्छी बात होती नहीं है, कोई नसीहत होती नहीं कि हाँ देश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा, बस वो उनको हिंदू राष्ट्र बनाने का सोच रहे हैं, लेकिन इसमें कभी कामयाब नहीं होंगे, आप देख चुके हैं कि इतना कुछ उन्होंने दंगा उन्होंने ही करवाया, ये बात एकदम ये मैं कहूँगी दंगा उन्होंने करवाया, फिर भी कहीं ना कहीं इतना कुछ होने के बावजूद इतनी ज़्यादा नस्ल कशी की गई है उसके बावजूद हिंदू मुसलमान का कहीं ना कहीं फिर भी मोहब्बत का रंग देखने को मिल रहा है। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, लोगों कहना आपको तो खतरा है ये, लेकिन आपसे
दूसरे लोगों को भी खतरा है कोरोना वायरस से। अरे तो यही तो मैं कह रही हूँ, शाहीन बाग वालों से क्यों खतरा है? आप रेलवे में जो इतने सफर करते हैं उनसे क्यों नहीं खतरा हो रहा है? रेलवे में आप जानते हैं ना हमारी रेलवे कैसी है, हमारे ट्रेन में कितने लोग एक एक साथ बॉगी में घुसे रहते हैं, कितनी गंदगी होती, तो वहाँ क्यों नहीं कोरोना वायरस पनप रहा है? वहाँ से खतरा नहीं हो रहा है क्या हमारी सरकार को? क्या बस से खतरा नहीं हो रहा है? मेट्रो अभी भी चालू है, मेट्रो तो उससे उसको बंद नहीं किया जा रहा है, और आज आप एयरलाइंस बंद करने की बात कर रहे हैं, एक हफ्ता पहले क्यों नहीं बंद करवाया आपने? तो उससे खतरा नहीं हो रहा, खतरा सारा शाहीन बाग से हो रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है कि बस इसको एक राजनीतिक मुद्दा माना जाए और कुछ नहीं है।